उदयपुर मामले के बाद प्रदेश भर में धारा 144 और नेटबंदी लागू है। वहीं मुख्य सचिव के आदेश के बाद सभी जिलों में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। घटना को लेकर भरतपुर रेंज प्रभारी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुनील दत्त बुधवार को भरतपुर में थे, जहां उन्होंने आईजी ऑफिस में आईजी प्रसन्न खमेसरा और एसपी श्याम सिंह से संभाग और जिले के कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर एसपी से भी कानून व्यवस्था की जानकारी ली। दत्त के निर्देश के बाद जिला कलेक्टर और एसपी की अध्यक्षता में एसपी कार्यालय और पुलिस थानों में शांति समिति और सीएलजी सदस्यों की बैठक भी हुई, जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव और एकता बनाए रखने पर चर्चा की गई। बैठक में सभी धर्मों के धर्मगुरु और प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। आपको ध्यान है कि जो उदयपुर में घटना हुई, इसके बाद से न केवल जिले में धारा 144 में थोड़ा संशोधन करते हुए ये जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है या वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, बल्कि यहाँ की व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह का वैमनेंसी ना फैले, उसके लिए ये निर्णय लिया गया कि शांति समिति की मीटिंग बुलाई। जैसा आपने देखा, बड़े अच्छे माहौल में लगभग पूरा हॉल फुल है, काफ़ी लोग आए, सबने अपनी बातें रखी, लेकिन बातों का जो मंशा थी वो सबकी एक ही थी कि ये सोशल मीडिया से जब कोई छोटा मैसेज आता है तो वो एक छोटी सी चीज़ फैल जाती है यदि उसको समय से नियंत्रण नहीं करें। तो इंटरनेट पाबंदी तो आज है 24 घंटे तक, लेकिन जब नॉर्मल व्यवस्था होगी तब ऐसी बात ना फैले, इस तरह के वीडियो मैसेज सर्कुलेट नहीं करें। भरतपुर हमेशा से ही सौहार्द का शहर रहा है, तो वो आपसी सौहार्द भाईचारा वो यहाँ हमेशा बना रहता है। हम फिर भी शांति समिति की मीटिंग कर रहे हैं ताकि अगर कोई ऐसा प्रयास हो तो वो ध्यान में आ जाए, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा ध्यान में नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि व्यवस्था अच्छी रहेगी और आगे अच्छी बनेगी। सरकार के दिशा निर्देश अनुसार सभी रेंज प्रभारी जो ADGs हैं उनको अपने अपनी रेंज में अग्रिम आदेश तक भेजा गया है। इसका मेन जो मकसद ये है कि जो उदयपुर की घटना हुई है उसके बाद राज्य सरकार और जो पुलिस मुख्यालय है वो बहुत ही संवेदनशील है और वो चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, और जो एक तरह से लोगों में उत्तेजना इससे आ सकती है उस पर नज़र रखी जाए, और जो सारा हमारा समस्त व्यवस्था है पुलिस की उसको दोबारा एक बार इस घटना के मद्देनज़र इफेक्टिव या प्रभावी